मैं हूं विश्वभर मिश्रा और टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। उड़ीसा के नयागढ़ में महानदी में डूबा हुआ एक प्राचीन मंदिर मिला है। यह मंदिर लगभग 450 से 500 साल पुराना माना जा रहा है, जो लगभग 150 साल पहले बाढ़ के कारण जलमग्न हो गया था। तो आइए पूरी रिपोर्ट देखिए इस खबर में। ये पद्मावती गांव में जो पुराना गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो आज के दिनों में महानदी के बीच में समाया हुआ है, इसका बहुत पुराना इतिहास है। ये तकरीबन 450 से 500 साल पुराना मंदिर है। 150 साल पुराने पहले बहुत बड़ा एक ये महानदी में जब बाढ़ आई थी तो ये 7 गांव के बीच में ये मंदिर था, 7 पटना उसको बोलते थे। तो उस बीच में ये मंदिर और वो गांव डूब गए थे, वो गांव अलग दूसरी जगह में जाके बसाए गए थे। और ये मंदिर जो है इसकी जो महानदी में जब बाढ़ आई थी तो ये 7 गांव के बीच में ये मंदिर था, 7 पटना उसको बोलते थे। तो उस बीच में ये मंदिर और वो गांव डूब गए थे, वो गांव अलग दूसरी जगह में जाके बसाए गए थे। और ये मंदिर जो है इसकी जो क्या इसकी मूर्ति थी भगवान की, उसको एक दूसरे मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। ये मंदिर हर साल जब पहले गर्मियों के दिनों में ये इसका ऊपर देखा जाता था, थोड़ा बहुत मिलता था, पर 20-25 साल से ये पूरा ही पानी में रहता था, क्योंकि वो एक नया बैरेज बन गया था नीचे, मुंडोली बैरेज। हमें इसकी बहुत खोज थी क्योंकि इंटेक की तरफ से हम महानदी नदी का इतना ऐतिहासिक है, एक हमारा प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंटिंग द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द महानदी वैली, महानदी जहाँ से शुरू होती है और समंदर तक के जितने भी उसके कीर्ति हैं हम सबकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो इसकी हमें खोज थी, हमने काफ़ी दफ़ा गए थे पर हमें मंदिर मिला नहीं था क्योंकि ये पूरा पानी में था। तो ये एक हफ्ता पहले हमें मालूम पड़ा कुछ पानी का लेवल कम है, तो जो इसका मस्तक है ऊपर का नज़र आ रहा है। हमने एक प्रयत्न किया था, दीपक कुमार नायक हमारे असिस्टेंट हैं कोऑर्डिनेटर, वहाँ जाके हमने देखा इस मंदिर को। ये हमने जहाँ तक हमारा खोज से मालूम पड़ा है कि ये 55 से 60 फीट ऊंचा मंदिर था, जो सिर्फ अभी 8 ही फीट पानी में है और बाकी सारे का सारा बाली में दबा हुआ है। बहुत अच्छी स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन में है। और हम ये चाहेंगे, हम ESI को भी लिखेंगे कि इस मंदिर को फिर से पुनरुद्धार करा जाए, इसे लाके फिर तट पे अच्छी जगह पे इसके उसको काट के फिर से एस्टेब्लिश करा जाए, क्योंकि ये सब अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इंटेक के पास भी है, ASI के पास भी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पहला मंदिर नहीं है, हमने अपने प्रोजेक्ट में 65 ऐसे मंदिर ढूंढे हैं जो इधर डूबे हुए हैं, कुछ भग्न अवस्था में हैं, कुछ ऐसे ही खड़े हैं, कुछ गर्मियों में बाहर निकलते हैं, कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो बरसातों में पूरे डूबे रहते हैं और उसमें बाकी टाइम पूजा होती है। ये बहुत अच्छी खोज थी जो हमारी पुरानी सभ्यता, 500 साल पुरानी सभ्यता का एक पूरा हमको जिसको बोलते हैं टाइम कैप्सूल मिला है। तो हम निश्चय से पूरा हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको फिर से पुनरुद्धार करें।